तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के 1956 के एक्ट में सरकार द्वारा बदलाव किया गया और एक्ट में आर्टिकल नंबर 11 के विरोध में शुक्रवार को शांति मार्च निकाला गया। इसमें सुबह गुरुद्वारा कलगी दर दरबार बुद्ध नगर से रोष यात्रा शुरू होकर गति गोदाम माउंट रोड से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां कलेक्टर के नाम मांग पत्र देकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई गई। सिख समुदाय जो आज रोड पर आई है, ये महाराष्ट्र सरकार का जो हमारे नांदेड़ सचखंड में तो सिखों का जो पवित्र जो धाम है, उन्होंने 2024 का जो कानून लागू किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारी जो प्रबंध कमेटी है वो सरदारों के हाथों में है। इन्होंने अपने आदमी सरकारी वहाँ पे घुसा कर अपनी कमेटी बनाना चाह रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 2024 का जो कानून है इसको रद्द किया जाए, 1956 का जो कानून जो उस प्रबंध में है लागू, उसको लागू किया जाए, इसके विरुद्ध हम प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। मुद्दे जो है, अभी थोड़े दिन पहले सरकार एक नया कानून लेके आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो जो 1956 में जो विधान बना हुआ था हमारे गुरुद्वारे का, उसको खत्म करके एक नया एक कानून लेके आए हैं अभी 24 में, और जो सिखों को मंजूर नहीं है उसके अनुसार इनके सरकार के 12 मेंबर जो एक गुरुद्वारे में घुसाना चाहते हैं, जो हमारी कमेटी के 17 मेंबर है उसमें 12 मेंबर भी अपना घुसाना चाहते हैं, जो हम लोगों को मंजूर नहीं है, और धीरे धीरे गुरुद्वारों में घुसना चाहती है, राजनीति घुसेड़ के गुरुद्वारे के सिद्धांत को खराब करने जाती है। हमारा जो गुरुद्वारे का सिद्धांत है, एक अकाल पुरख का सिद्धांत है। हम लोग हमारे गुरुद्वारे में गुरबानी के ज्ञान द्वारा एक एक अकाल पुरख को माना जाता है, मनुखता के अंदर उसको देखा जाता है, पूरी मनुखता से प्यार करते हैं, उसमें हमारे कोई देवी देवता किसी को भी नहीं माना जाता, हम लोग उसमें नहीं मानते। जो गैर सिख जाकर बने गए उनको सिख सिद्धांत समझता नहीं है, वो सिख जो सिद्धांत है हमारा गुरमत सिद्धांत जो है उसको खराब करेंगे। ये अभी हमारा बुद्ध नगर से गुरुद्वारा गुरु कलगी दरबार से आई है, जहाँ तक आई अभी हम लोग कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे, काफी लोग हजारों की संख्या में है लोग, इसे हम लोग सरकार में दबाव डालेंगे। वहाँ भी धरना नदेड़ में लगा हुआ है कलेक्टर ऑफिस के आगे, तो अभी हम लोग जाके मिलेंगे। तो हमारे देश की कईयों की सोच ऐसे है जैसे हमारे राष्ट्रपति जी को किसी मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, ऐसा सिद्धांत तो हम गुरुद्वारों में नहीं लाने देंगे। हमारे गुरुद्वारे में कोई भी आ सकता है, ऊंच नीच जात पात हम लोग मानते नहीं है, लेकिन सरकारी आदमी आएंगे तो धीरे धीरे वो ही नफरत पैदा करेंगे वहाँ, तो हम लोग नहीं चाहते कि इसमें सरकारी दखलंदाजी हो। ये आंदोलन नहीं है, ये हमारे लोगों का सिख समाज का ये एक रोष है। ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो दादागिरी कर रही है, ये गवर्नमेंट ने करना नहीं चाहिए। जो हमारा हजूर साहब नांदेड़ साहब सचखंड गुरुद्वारे में जो इन्होंने अपना एक्ट जो 1956 से चलता आ रहा है उसका बदलाव 2024 में ये नवा लाने को चाह रहे हैं, पर हमारा कहना ये है कि आप इसको लाने का कोई जरूरत नहीं, तो आपको गुरुद्वारे में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं, कहीं पे भी नहीं। आप दादागिरी कर रहे हैं, जहाँ देखो दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी हम इनके चलने नहीं देंगे, और ये 2024 का जो भी इनका ये एक्ट लगा रहे हैं इसको आप वापस ले लो और लिखित में हमको वापस दो, हम आश्वासन पे नहीं तोड़ेंगे इसको, और जो भी है हम आगे भी ये विरोध करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे हमारे जो भी हमारे भाई बहन जो पूरे देश के अंदर में है इसका विरोध कर रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर में पूरा विरोध चल रहा है इसका। इस दौरान गुरुद्वारा कलगी दर दरबार प्रधान गुरमीत सिंह खोकर, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार कमाल चौक के परमिंदर सिंह बिच, ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुक्कू मारवा मलके सिंह, प्रीतपाल सिंह भाटिया, गजेंद्र सिंह लोहिया के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। NBC न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।